नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मोहित अलावत रीजनिंग पे। जैसे कि आपको पता ही है कि हम दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, स्लोलिज्म यानी कि न्याय निगमन, काउंटिंग फिगर यानी कि चित्रों की गणना। आज हम शुरू करने वाले हैं सीरीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए और बहुत ही एक बेहतरीन चैप्टर आपके लिए मैं लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज के बारे में। सीरीज कितने टाइप की आपकी होती है ना? तो सीरीज जो है आपकी तकरीबन दो टाइप की रहती है। किस तरीके से कि एक सीरीज तो है आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ते क्रम में आती है, और एक आपकी सीरीज है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग यानी कि घटते क्रम में, और इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। इंक्रीज का क्या मतलब हो रहा है, डिक्रीज क्या हो रहा है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। इंक्रीज जैसे कि क्वेश्चन आपका आया, पहला क्वेश्चन आपका आया, लिखा गया 2, 4, 6, 8, 10। आगे आपसे पूछा जाएगी अब क्या आएगा, है ना? तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके कैसे सोल्व होंगे, या तो डिफरेंस से सोल्व हो, या फिर मल्टीप्लाई से हो, या एडिशन से, हमारे क्या होते हैं ये सोल्व होते हैं। तो देखिए, अगर हम इनका डिफरेंस निकालते हैं तो 2 और 4 का डिफरेंस कितना है 2, 4 और 6 का डिफरेंस कितना है 2, इन दोनों का डिफरेंस भी 2 है, यानी कि लास्ट तक कितना डिफरेंस है 2 है। सब में कितना जोड़ रहा है, वो सब में 2-2 प्लस किए जा रहे हैं। तो हम 10 में कितना प्लस कर देंगे, 10 में प्लस कर देंगे हम 2, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 12 यानी कि 12। तो पहली चीज हमने क्या समझी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर जब भी कभी भी होगा तो उसमें क्या होता रहेगा, प्लस होता रहेगा इस तरीके से। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है आपको, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा ये, उसने लिखा 2, 5, 11, 23, और आगे आपसे पूछना चाहता है कि इसके बाद क्या आएगा। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, आप डिफरेंस निकालोगे टाइम वेस्ट करेंगे, तो वो काम हम नहीं करेंगे। यानी कि इसमें जो ट्रिक अप्लाई हो रही है उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे जो सीरीज है वो इंक्रीज हो रही है। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ फर्स्ट नंबर 2 था और लास्ट नंबर जो था वो 10 था, कि 2 से 10 तक वो जा रहा है, यानी कि इतना ज्यादा नहीं जा पा रहा है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 2 और यहाँ पे लिखा है 23, यहाँ पे तो कहीं ना कहीं 20 या 21 गुना वो जा चुका है। तो जब कभी भी कुछ ज्यादा ही डिफरेंस आए तो हमेशा हमें क्या यूज करना है, हमें यूज करना है मल्टीप्लाई का यूज करना है। तो चलिए जानते हैं कि मल्टीप्लाई का किस तरीके से, कि 2 वाला 5 तक अगर पहुंचे तो किस तरीके से जाएगा, कि 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और 4 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 5, अगले वाले में 5 दूनी 10 और 1 कितना हो गया 11, 11 दूनी 22 और 1 कितना हो गया 23। यानी कि हमने क्या टर्म अप्लाई की, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, बढ़ते क्रम में चल रहा है। दूसरा काम हमने क्या किया कि मल्टीप्लाई किया और क्या कर दिया, प्लस कर दिया, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में यह चल रहा था। चलिए तो एक और क्वेश्चन हम जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, हमने संख्या ली 3 के बाद आया 8, फिर 23, इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि इसके बाद क्या आएगा, ठीक है? तो देखिए किस तरीके से सोल्व हो रहा है, कि 3 से कहां जा रहा है 23 पे जा रहा है, यानी कि कुछ ज्यादा ही डिफरेंस यहां पे ले रहा है, ज्यादा ही डिफरेंस ले रहा है। तो कैसे सोल्व करेंगे, हम सोल्व करेंगे कि 3 के टेबल में हमें 8 तक जाना है, 8 तक हम कैसे जाएंगे, किससे थोड़ा ज्यादा चले जाते हैं, 3 + 3 कितना हो जाएगा 9, 9 में से 1 माइनस कर दिया कितना आ गया 8, सेम ऐसे ही आगे है 8 + 3 कितना हो जाएगा 24, 24 में से हम 1 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा 23 हो जाएगा। चलिए 23 को करते हैं, कि 23 दूनी कितना हो जाता है, 23 दूनी हो जाता है 40, इस तरीके से जब हम इसे 3 से करेंगे तो वहां पे मल्टीप्लाई पहुंचेगा और क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे हमने क्या टर्म अप्लाई की है, यानी कि तीसरे में हमने टर्म अप्लाई की है, या तो मल्टीप्लाई हो रहा हो या फिर क्या हो रहा हो माइनस। तो यही चीज हम इसमें भी लिख सकते हैं दूसरे वाले में,
कि मल्टीप्लाई हो या फिर प्लस हो या फिर क्या हो, माइनस हो, हम ऐसे भी हमें लिख सकते हैं। तो यहां तक हमने समझा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपने क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। अब जानते हैं हम डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में कि घटते क्रम में क्वेश्चन कौन कौन से हमारे बनते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में हम जानेंगे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या सिस्टम है, क्या चल रहा है यहाँ पे, चलिए जानते हैं उनके बारे में। अब अपना जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये आया, यहाँ पे लिखा गया है कि 20, 15, 10 यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि अब यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4th जो है वो किस तरीके से, हमें सिंपल सा क्या काम करना है, हमें स्टेप का यूज करना है। जैसे कि 20 और 15 का आप गैप निकालोगे कितना आएगा, -5 आएगा। 15 और 10 का कितना है, -5 है। तो अगर वो दो बार -5 यूज कर चुका है तो अगली बार भी -5 ही यूज करेगा, यानी कि 10 में से हम -5 जो है इसमें माइनस कर देंगे, 10 में से 5 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब जो ये रकम है ये कैसे चल रही है, ये जो सीरीज है कैसे चल रही है, ये चल रही है घटते क्रम में चल रही है। यदि घटते क्रम में चल रही है तो क्या टर्म अप्लाई हो रही है, यानी कि नेगेटिव की हो रही है, माइनस कर रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहा है आप, है ना। तो दूसरी बात हम समझते हैं कि दूसरा वो क्या कर सकता है, क्या अप्लाई उसमें हो सकता है। चलिए क्वेश्चन को जानते हैं, पांचवें क्वेश्चन को जानते हैं कि पांचवा क्वेश्चन इसमें क्या बताएगा। देखिए उसने लिया 200 लिया, उसके बाद में आया 100, 100 के बाद आया 50। अब आपसे वो पूछना चाहता है कि अब क्या आएगा। तो देखिए माइनस कब होगा, माइनस तब होगा कि पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या में कुछ ज्यादा अंतर ना हो, थोड़ा ही आपका अंतर हो। और यहाँ पे जो डिफरेंस है ये 200 है और ये कितना है, 50 है। तो डिफरेंस कुछ ज्यादा ही आपका कम हो चुका है। तो यहाँ पे आप क्या अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं डिवाइड की फॉर्मेशन, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। जब आप इस 200 को, इस 200 को 2 से भाग कर दोगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 को हम कितने से भाग कर दें, 2 से भाग कर दें और कितना आ जाएगा, 50। सेम ऐसे ही 50 को जब आप 2 से भाग कर दोगे कितना आ जाएगा, 25। आंसर हमारा क्या आया, 25 आया। दूसरी फॉर्मेशन हमने क्या समझी, हमने समझा कि डिवाइड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिवाइड हमारा होना चाहिए। और डिवाइड के साथ आगे क्या हो सकता है, जैसे कि और क्वेश्चन आपके बनेंगे, डिवाइड हो उसी के साथ क्या हो जाए, प्लस और माइनस, प्लस और क्या हो जाए, माइनस हो जाए। तो कुछ एक सीरीज आपकी इंक्रीजिंग की है, कुछ एक सीरीज आपकी क्या है, डिक्रीजिंग की है। तो ये दो सीरीज आपकी बनती है। इसी के साथ में प्लस माइनस हमने सीख लिए हैं। यहाँ पे आपके स्क्वेयर और क्यूब, आपके क्वेश्चन बनते हैं स्क्वेयर से, स्क्वेयर से बनते हैं, क्यूब से बनते हैं, यानी कि वर्ग से बनते हैं और घन से बनते हैं, इन दोनों से। पर डिफरेंस में भी स्क्वेयर क्यूब आ सकता है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, स्क्वेयर और क्यूब दोनों को मिक्स करके भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो पहली टाइप तो आपकी इंक्रीजिंग में थी, दूसरी आपकी क्या थी, डिक्रीजिंग में थी। तो ये इन्हीं के अंदर आपके आ सकते हैं। एक केस बनता है इलॉजिकल, एक केस बनता है इलॉजिकल। इलॉजिकल यानी कि जिसमें कोई लॉजिक ही ना लगा हो, जिसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है ना डिवाइड है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही उठा के दे दिया गया है ना। तो वो क्वेश्चन है आपके इलॉजिकल के। देखिये इलॉजिकल किस तरीके से बनेगा, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन बताऊं आपको कि क्वेश्चन है, जैसे मैं बताऊं 31, 28, 31, 30, 31। अब आपसे पूछ ले कि इसके बाद क्या आएगा, तो ये क्वेश्चन है इलॉजिकल कि यहाँ पे हम डिफरेंस से कुछ भी लगाए कोई फायदा नहीं। इलॉजिकल क्या है, देखिए कि 31 किस में होते हैं, जनवरी में, 28 हमने फरवरी के लिए, उसके बाद आया मार्च, फिर आया अप्रैल, फिर आया मई, और अब लास्ट में क्या आना है, जून। जून में कितने दिन हो जाएंगे, 30 दिन हो जाएंगे। इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन है वो इलॉजिकल क्वेश्चन है। स्क्वेयर में किस टाइप के हमारे क्वेश्चन बनते हैं, स्क्वेयर में बनते हैं, लिख दिया जाए कि यहाँ पर लिख दिया जाए, एक लिख दिया जाए, एक का स्क्वेयर 1 है, 2 का स्क्वेयर 4 है, 3 का 9 है, 4 का 16 है, इस तरीके से कंटिन्यू चलता जाए कि 144 है 12 का, तो आगे क्या आएगा। इस तरीके से आपकी जो है सीरीज बनती है। इसके बाद आपके आते हैं क्यूब, और क्यूब को बोला जाता है घन, क्यूब को बोला जाता है घन। तो घन में क्वेश्चन आपके जो है वो किस तरीके से बनते हैं, देखिए घन में किस तरीके से है कि 1 का क्यूब 1 रहता है, 2 का 8 रहता है, 3 का 27 है, 4 का 64 है, 125 हो जाता है कोई 5 का,
छह का कितना हो जाता है 216 हो जाता है, सात का कितना है 373। इस तरीके से ये सब हम आप समझेंगे इस सीरीज के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको स्क्वेयर, स्क्वेयर यानी कि वर्ग, वर्ग आपको कम से कम 30 तक याद होने चाहिए। और फिर है क्यूब, क्यूब यानी कि घन, घन का मतलब यानी कि हम ये सब समझे थे ये क्या थे, घन थे, घन आपको कम से कम 20 तक याद हो। और रही बात टेबल की, टेबल यानी कि पहाड़े, पहाड़े हमें कहाँ तक याद होने चाहिए, हमें याद होने चाहिए 30 तक। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए क्योंकि सीरीज का टॉपिक जो है वो इन्हीं पे डिपेंड करता है। और जितनी बढ़िया आपकी कैलकुलेशन रहेगी उतना ही अच्छे से आप जो है समझ पाओगे, है ना। तो चलिए ये थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक बताया, अब हम कुछ क्वेश्चन के बारे में जानते हैं कि वो क्वेश्चन टू बेसिक, फिर हम कहाँ चलेंगे, हाई लेवल पे चलेंगे, बेसिक टू बेसिक पहले समझेंगे। तो चलिए ये पहला क्वेश्चन है, ये किस तरीके से हमें सोल्व करना है। तो यहाँ लिखा गया एक, फिर छह, फिर ग्यारह, फिर आगे क्या आएगा कुछ समझ नहीं आता। तो हमें हमेशा क्या करना होगा, हमें स्टेप की यूज करना होगा, स्टेप यानी कि डिफरेंस का हमें यूज करना है, डिफरेंस का हमें यूज करना है कि हमें इनका अंतर निकालना होगा। तो देखिए एक और एक का अंतर कितना होता है, जीरो। एक और छह का अंतर कितना है, पांच। ऐसे ही सेम छह और छह का अंतर कितना हुआ, जीरो। इस तरीके से हम इनका क्या कर रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं, अंतर निकाल रहे हैं। छह और ग्यारह का अंतर है पांच, ग्यारह और ग्यारह का अंतर है जीरो, ग्यारह और सोलह का अंतर कितना है, पांच। तो देखिए अब हमें आगे ये दो डिजिट बतानी है कि इन दोनों में आपका क्या आंसर रहेगा। तो हमें ये सीरीज चल रही है, पहले उसने जीरो लिया, फिर फाइव लिया, जीरो फाइव जीरो फाइव, फिर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, फाइव। यानी कि 16 में हमें जीरो प्लस करेंगे कितना आंसर आ जाएगा, 16 हमारा आ जाएगा। पहले का आंसर कितना आया है, 16। अच्छा आप 16 में 5 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 21। कितना हो जाएगा, 21। पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गया, पहले क्वेश्चन के जो आंसर है वो 16 और 21 हुए। तो हर एक क्वेश्चन आपको ऐसे ही सोल्व करना है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, सेकंड क्वेश्चन आपको क्या कहता है। तो 23 और 29, 23 और 29 में कितना गैप है, 23 और 29 का गैप है 6। भाई 29 में कितना जोड़ेगी 36 बन जाए, तो कितना जोड़ेंगे, 7। 36 में कितना जोड़ेगी 44 बन जाए, तो जोड़ देंगे हम 8। तो अब क्या करना है कि अब आगे क्या सीरीज रहेगी, तो देखिए 6 और 1 6 7 8 फिर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो हमें यहाँ कितना जोड़ देना है, 44 में हमें 9 जोड़ देना है, 9 जोड़ देना है। जब आप 9 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा, यानी कि 53 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का हुआ आंसर 53। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे पहुंचते हैं, ये क्या कहता है कि 69 में हम कितना प्लस करेंगे कि 72 बन जाएगा। हम प्लस करेंगे 3, कितना प्लस करेंगे, 3 प्लस करेंगे। अब 72 में कितना जोड़ेगी, 78 बन जाए, तो उसमें 6 जोड़ेंगे। सेम ऐसे ही 78 में अब हम कितना जोड़े कि 87 बन जाए, तो उसमें हम कितना जोड़ रहे हैं, 9 जोड़ रहे हैं। तो देखिए ध्यान से कि यहाँ पे क्या चल रहा है, टेबल चल रहा है, पहाड़ा चल रहा है कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौक कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। वो 12 जो है हम इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जब आप 87 में 12 प्लस करोगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 99, यानी कि 99 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर, कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है। तो देखिए 5 और 11 का जो अंतर है, 5 और 11 का अंतर कितना है, 6 है। 11 और 17 का अंतर कितना है, वो भी 6 है। अब भाई 17 और 25 का अंतर कितना हो जाएगा, 17 और 25 का अंतर हो जाता है आपका कितना, 8 अंतर होता है। अब 25 और 33 का अंतर कितना हो जाएगा, तो ये अंतर भी आपका कितना है, 8 है। अब इसके बाद कितना डिफरेंस आपका आएगा, तो वो हमें पता करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, 6, 6 में 2 जोड़ा कितना आ गया, 8, 8 में कितना जोड़ देगा, 2 जोड़ देगा, कितना आ गया, 10। अब 33 में आप 10 जोड़ दो, आंसर कितना आया, 43, यानी कि 43 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर इससे आगे भी एक और टर्म वो आपसे पूछता है यहाँ पे, तो एक और पूछ लेता तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर कितना जोड़ देते हैं कि भाई 2 बार 6 लिया, 2 बार 8 लिया, तो 2 बार क्या लेगा, 10 लेगा। 2 बार 10 लिया तो आंसर कितना आया, 53 आपका आंसर हुआ। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, हर एक पिछले साल के आए हुए क्वेश्चन है ना। ये देखिए ये आपको शायद एनटीपीसी में नजर आया वो क्वेश्चन, कई बुक में आपको नजर आते हैं। तो किस तरीके से ये क्वेश्चन देखते हैं कि 121
और 242 तक। तो देखो ये क्या है, इसका डबल है, ये इसका क्या है, डबल है। कितना प्लस किया उसने, 121 इसमें प्लस कर दिया, कितना बन गया, 242 बन गया। कि 242 में हम कितना जोड़ेंगे, 363 बन जाए। तो इसमें भी आप कितना प्लस कर रहे हो, इसमें भी हम प्लस कर रहे हैं 121 हम प्लस कर रहे हैं, 121 हम प्लस कर रहे हैं। तो देखिए पहले 121 प्लस किया, फिर 121 प्लस किया, तो अगली बार भी कितना प्लस कर देगा, अगली बार भी वो 121 ही प्लस कर देगा। जब आप इसमें 121 प्लस करोगे आंसर कितना हो जाएगा, 483 हो जाएगा आंसर आपका, क्या हो जाएगा, सॉरी 48 कितना हो जाएगा, 484 आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे कुछ एक पॉइंट आ गए, तो पॉइंट आ गए तो पॉइंट से हमें घबराने की जरूरत नहीं है, पॉइंट के क्वेश्चन तो और भी आसानी से सोल्व होते हैं। वो किस तरीके से, देखिए कि एक से गए हम 1.5 पे, कितना जोड़ दिया, 0.5 जोड़ दिया, फिर उसके बाद आगे की ओर वो चल रहा है ना, कि यहाँ पे 1.5 से वो कहाँ जा रहा है, 2.4 पे जा रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा गलत कर दिया शायद, तो ये क्वेश्चन जो रहेगा यहाँ पे रहेगा 2.5 रहेगा, यहाँ रहेगा 2.5 इस तरीके से। तो अब यहाँ कितना प्लस कर रहा है, देखिए यहाँ पे कितना प्लस कर रहा है, पहले उसने कितना प्लस किया, 0.5 प्लस किया, 0.5 प्लस करने के बाद 1.5 से 2.5 तक जाना है। अब कितना प्लस कर रहा है, वो डायरेक्ट कितना प्लस कर रहा है, वो प्लस कर रहा है एक, कितना प्लस किया, एक प्लस किया। अब इसके बाद में कितना प्लस कर रहा है, 2.5 में कितना प्लस करें कि हमारा कितना बन जाए, 4 बन जाए, तो हम प्लस करेंगे 1.5, कितना प्लस करेंगे, 1.5। देखिए पहले 0.5 फिर 1 हो गया, फिर 1.5 हो गया, तो अब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 4 और 2 कितना हुआ, 6। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आया, 6 आया। सिंपल है रीजनिंग, सिंपल है, कुछ भी नहीं है रीजनिंग के अंदर, ये तो रीजनिंग का टॉपिक है और टॉपिक तो बिल्कुल ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर पहुंचते हैं। 8 में हम 2 जोड़ेंगे तो 10 बन जाएगा, 10 में हम कितना जोड़े कि 13 बन जाए, तो 3 जोड़ देंगे। उसके बाद में कितना जोड़ा इसने, फिर 13 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। 18 में हम 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25। तो अब हमारा कितना आएगा, तो वो देख लेते हैं। तो देखो हमेशा ध्यान दो कि यहाँ एक या दो है, ये तीन है, उसके बाद में 4-5 आया नहीं, कि सीरीज नहीं चली। अब यहाँ पे कितना, यहाँ पे 3 है, ये 5, ये 7 है, तो यहाँ पे 9 नहीं आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। आपकी विषम संख्याएं भी नहीं है, ओड भी नहीं है, तो ये कौन सी संख्याएं हैं जो भी 2 से स्टार्ट होती हैं, वो होते हैं आपके अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर बोला जाता है। प्राइम नंबर हमारे क्या है, प्राइम नंबर है जो किसी से भी भाग ना होते हो। जैसे कि ये 2 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया, इसके बाद क्या आता है, 9 तो लेकिन 3 में आता है, तो 9 नहीं आएगा। अब क्या आएगा, 11। अब क्या आएगा, 11। अब 25 में कितना प्लस कर दोगे, 11 आप प्लस कर दोगे, 25 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 36 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, यहां लिखा है 1.2 से 1.4, तो कितना प्लस कर दिया, 0.2 प्लस कर दिया, 0.2 प्लस कर दिया। 1.4 से 1.6 पे जा रहा है, तो वापिस से 0.2 उसने प्लस कर दिया। अब 1.6 से 1.8 पे जा रहा है, फिर दोबारा कितना प्लस कर रहा है, 0.2 प्लस कर रहा है। तो देखिए सब में कितना प्लस कर रहा है, 0.2 ही प्लस किया जा रहा है, तो 0.2 ही हम क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे। 1.8 में जब आप 2 पॉइंट प्लस कर दोगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एडिशन के हमने सिंपल पार्ट समझे, एक डिफरेंस से हमने समझा, अब हम समझेंगे आगे डबल। देखिए हमें क्या करना है, डायरेक्ट हमें डिफरेंस निकालना है, यानी कि हमें स्टेप यूज करने हैं। 3 से हम 10 तक जाएंगे कितना हो जाएगा, 7। 10 से 20 तक अगर आप जाओगे तो कितना प्लस करोगे आप, 10 प्लस करोगे। उसके बाद 20 में कितना प्लस करें कि 13 हो जाए, ठीक है, 13 प्लस किया कितना हो गया, 33 हो गया। अब 33 में कितना प्लस करें कि 49 हो जाए, इस तरीके से। तो देखिए कितना प्लस करेंगे हम, 16 प्लस करेंगे। इसके बाद क्या आएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि 7 10 13 क्या ले रहा है। देखिए इनका भी हम डिफरेंस कर लेंगे, तो 7 और 10 का डिफरेंस होता है 3, 10 और 13 का डिफरेंस 3, 13 और 16 का डिफरेंस 3। अब 16 और इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 16 में 3 आप जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 19, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा एक ही काम करना है
कि इसमें 49 में हमने कितना जोड़ देना है, 19 हमने जोड़ देना है। तो जब आप 19 इसमें जोड़ोगे आपका आंसर कितना हो जाएगा, 68 जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आया, 68 आया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए बोलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कहता है, तो देखिए इनका हमें क्या करना है, डिफरेंस करना है, अंतर निकाल लेना है। हर एक क्वेश्चन का आप डिफरेंस निकालते चले जाओ, अंतर करते चले जाओ, क्वेश्चन का आंसर अपने आप आपको मिलते चले जाएगा। तो देखिए 8 का कितना, 8 का डबल कितना होता है 16, तो डिफरेंस कितना हुआ आपका 8 ही हुआ। अब आगे बढ़ते हैं कि 16 और 28 का डिफरेंस कितना है, 12 इसका डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है इसका, 12 इसका डिफरेंस है। तो देखिए उसके बाद हम यहाँ पे पूछते हैं कि 28 में से अगर हम 44 में से यदि हम 28 माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाता है, तो हो जाता है आपका 16 यानी कि 16। इसके बाद पता नहीं है क्या आएगा, तो हमें क्या करना होगा, डिफरेंस और भी लेना होगा कि 8 और 12 का डिफरेंस है 4, 12 और 16 का डिफरेंस भी कितना है 4 है। तो 16 और आगे जो आएगा उनका डिफरेंस भी कितना होना चाहिए, 4 ही होना चाहिए। तो 16 में आप कितना जोड़ दोगे, 4 जोड़ दोगे, कितना हो गया 20 हो गया। हमें 44 में 20 जोड़ देना है, 44 में 20 जोड़ देना है, आंसर हमारा तुरंत आ जाएगा, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 64, यानी कि 64 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन आपको क्या कहता है, देखिए कि 20 और 40 का अंतर कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। सेम ऐसे ही 78 और 40 का अंतर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा, 38 आपका हो जाएगा। इसके बाद 134 और 78 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 56 यानी कि 56 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या आएगा कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि डिफरेंस कुछ ज्यादा ही चल रहा है, डिफरेंस जो है वो क्या है, ज्यादा ही चल रहा है। तो इस डिफरेंस को भी समझेंगे कि 20 और 38 का अंतर होता है 18, भाई 56 और 38 का डिफरेंस कितना होता है, 56 और 38 का होता है 18, इसका अंतर भी कितना है 18 है। तो देखिए यहाँ पे भी 18 आया, यहाँ भी 18 आया, तो यहाँ भी कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। हमें क्या करना है, 56 में 18 जोड़ देना है, 56 में हमें 18 प्लस कर देना है, कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा। अब 74 किस में जोड़ेंगे, अब आप 74 134 में 74 आप प्लस कर दोगे, जब आप 74 प्लस कर दोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, इनमें प्लस करने पे यहाँ आ जाएगा आपका, इसमें प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 200। सात नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन हमें क्या कहता है, तो देखिए 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, 3 और 6 का अंतर कितना होगा, 3 होगा। 6 और 12 का अंतर कितना होगा, 6 होगा। 12 और 24 का अंतर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 24 और 45 का अंतर कितना हो जाएगा, यहां अंतर हो जाएगा 21, 21 हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्या अंतर आएगा इस तरीके से, तो देखिए यहाँ पे अगर हम डिफरेंस करते हैं तो यहाँ कितना है 33 है, यानी कि 33 है। इसके बाद क्या आएगा कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना है, डिफरेंस का भी डिफरेंस कर दो। देखिए पहले हमने डिफरेंस किया कि 3 और 6 का अंतर कितना हो गया 3, भाई 12 और 6 का अंतर कितना है 6 है, 21 और 12 का अंतर कितना है 9 है, 33 और 21 का अंतर कितना है 12 है। तो देखिए टेबल हमारा चल गया है कि 3 × 6 = 3, 3 × 6 = 3, 3 × 9 = 12 और 3 × 5 कितना हो जाएगा 15। हमें 33 में कितना प्लस कर देना है, अब हमें 15 प्लस कर देना है। जब आप प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 48 यानी कि कितना हो गया 48 हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल सा यही काम करना है कि 78 में हमें कितना प्लस कर देना है 48 हमें प्लस कर देना। जब इतना प्लस करो कितना हो जाएगा, देखिए 78 में जब हम 48 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 126। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 126 आ गया। भाई 12वें क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाता है, 126 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13वें पे पहुंचते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है, सब में सिंपल यही काम करना है, हमें डिफरेंस करते चले जाना है और डिफरेंस से ही हमें समझना है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। देखिए कि 12 और 24 का अंतर कितना हो गया, 12 हो गया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं कि 24 और 38 में कितना अंतर है, इनमें अंतर है आपका 14 का। उसके बाद जब आप 38 और 56 की ओर बढ़ोगे तो यहाँ पे आपका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 18 आपका डिफरेंस हो जाएगा। इसके बाद डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा 26 यानी कि 26।
अब 124 में से अगर 82 माइनस कर दे, 82 हम माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अगर यहीं से समझ आ रहा है तो ठीक है, वरना हम क्या करेंगे इनका भी अंतर कर देंगे। देखिए इनका अंतर करते हैं, जैसे कि 12 और 14 का आंसर कितना हो जाएगा 2, भाई 14 और 18 का अंतर कितना हो जाता है 4, सेम ऐसे ही 26 और 18 का अंतर कितना हुआ 8, इसके बाद में 42 और 26 का अंतर कितना हो जाएगा, 42 और 26 का अंतर हो जाएगा आपका 16, कितना हो गया 16। तो देखिए अब क्या आ रहा है, तो थोड़ा सा अगर हम यहीं पे ध्यान दे लें तो हमारा आंसर आ चुका है कि जैसे कि 2 × 2 कितना हुआ 4, 2 × 2 कितना हुआ 4, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 कितना हो जाएगा 32, यानी कि 32। 42 और 32 को हम जोड़ देंगे, 42 और 32 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा, 74 हो जाएगा। और यही 74 जो 74 है वो हमें इसमें प्लस कर देना है 124 में हम 74 प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा 198 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 198 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन आपको क्या कहता है, है? तो चलिए 14 क्वेश्चन का आंसर आप बताना कि 14 क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। कोई वही काम करना है कि डिफरेंस करके फिर आगे डिफरेंस निकालना है, सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल कुछ नहीं है। तो देखिए इस वाली स्टेप में हमने क्या समझा, इसमें हमने ये समझा कि हमने एक बारी तो डिफरेंस निकाला, जब समझ नहीं आया कि क्या डिफरेंस कर रहा है, फिर हमें एक और डिफरेंस निकालना पड़ा, हमें दो दो डिफरेंस निकालने पड़ रहे हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में एक अंतर निकाला, दूसरा अंतर निकाला, यहां पे आकर के हमें क्वेश्चन के बारे में पता चला, यहां आकर के हमें क्या है समझ आया। तो ये जो हमारी टाइप बनी है क्या बनी, डबल डिफरेंस की बनी, क्या बनी, डबल डिफरेंस की बनी। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, 14th क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना है कि 14th क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। 15th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, वही स्टेप टू स्टेप हमें अप्लाई करनी है, डिफरेंस हमें करके जाना है क्योंकि एडिशन का पार्ट चल रहा है, तो डिफरेंस करते जाएंगे क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा आता जाएगा। तो देखिए 1 और 3 का अंतर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 और 8 का अंतर हो जाएगा 5, 8 और 18 का अंतर हो जाता है हमारा 10, ठीक है इस तरीके से। फिर हम अंतर करेंगे 37 और 18 का अंतर हो जाएगा हमारा 19, इसके बाद 71 और 37 का अंतर हो जाता है 34, यानी कि 34। तो देखिए 5, 2, 5, 10 क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसका और भी डिफरेंस करना पड़ेगा। तो और भी डिफरेंस करते हैं, देखिए कि यहाँ पे 2 और 5 का अंतर कितना है 3, इसके बाद में 5 और 10 का अंतर कितना है, ये अंतर है 5, उसके बाद में 10 और 19 का अंतर कितना है 9 है, इसके बाद 19 और 34 का अंतर हमारा कितना है 13, अंतर कितना है 13। तो यहां तक हमने देखा, इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद हमें इसका भी डिफरेंस लेना होगा कि इसका भी हम अंतर लेंगे। तो 19 और 34 का अंतर होता है 15, अंतर होता है 15। तो अब सॉल्व करेंगे, 3 और 5 का अंतर कितना हो जाएगा 2, 9 और 5 का अंतर कितना हो जाएगा 4, 15 और 9 का अंतर हमारा हो जाएगा 6। तो देखिए यहां से हमें पता चल रहा है कि 2 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया, फिर कितना आ जाएगा 8। अब हमें क्या करना है, 15 में हमें 8 जोड़ देना है, 15 में 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 34 और 23 को जब हम जोड़ेंगे तब हमारा कितना आएगा, तो देखिए यहां आ जाएगा 5 और कितना आ जाएगा 57, यानी कि 57 हमारा आया। अब हमें क्या करना है, अब हमें 71 में यानी कि 71 में 57 जो है वो हमें प्लस कर देना है, वो हम प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 128। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आया 128, इस क्वेश्चन का आंसर आया, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है 128। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन हमें क्या कहता है, यहां भी हमें डिफरेंस ही लेना है, अंतर ही हमें लेना है। तो 8 और 3 का अंतर होता है 5, 18 और 8 का अंतर होता है 10, इस तरीके से। अब 35 और 18 का अंतर हमारा कितना हो जाएगा 17, यानी कि 17। इसके बाद क्या डिफरेंस है अभी कुछ पता नहीं कर सकते हैं, है ना। तो चलिए अब इनका भी डिफरेंस ले लेते हैं, इनका भी क्या कर लेते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं। तो यहां पे अंतर कितना है, यहां पे अंतर है 5 का। अब इसके बाद अंतर कितना है 7 का,
इसके बाद क्या अंतर होना चाहिए, तो देखिए 5 और 7 का अंतर कितना है 2। अगर डिफरेंस 2 ले रहा है तो हम भी एक बार डिफरेंस कितना लेंगे, 2 ही लेकर के हम स्टार्ट करेंगे। क्या पता आपका लास्ट तक ये क्वेश्चन हमारा बन जाए इस तरीके से। जब हम 7 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यानी कि 9। अब हमें क्या करना है 17 में हमें 9 जोड़ देना है। 17 में आप जब 9 जोड़ोगे तो कितना आ जाता है 26, कितना हो गया 26। चलिए 35 में अब हम 26 जोड़ देते हैं। 35 में जब आप 26 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 61 हमारा हो रहा है। अब क्या है कि हमें 98 और 61 का अंतर निकालना है कि 98 और 61 का अंतर हमारा कितना हो जाएगा। अगर हमारा डिफरेंस सही चल रहा है तो देखिए 98 और 61 का हमारा अंतर होता है 37, यानी कि 37। अब देखिए 37 और 26 का अंतर कितना है 11। भाई 11 और 9 का अंतर कितना है 2, यानी कि सीरीज हमने बिल्कुल सही बनाई है। हमने जाना कि यहाँ पे 2 का डिफरेंस था, यहाँ पे भी हमने क्या किया 2 का ले लिया, और यहाँ पे 2 का डिफरेंस अपने आप ही आ गया। तो देखो हमने समझा क्या है, हमने अब तक समझा था एक सिंगल डिफरेंस हमने समझा था, फिर हमने समझे 2 डिफरेंस के क्वेश्चन। अब देखो अब कितने अंतर निकालने पड़ रहे हैं, अब हमें 3-3 अंतर निकालने पड़ रहे हैं, हमें 3-3 डिफरेंस करने पड़ रहे हैं। यानी कि एक क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है, ट्रिपल डिफरेंस का भी बन सकता है, यानी कि हम 3-3 अंतर भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17वां क्वेश्चन आपको क्या कहता है, तो देखिए 17वां क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि यहाँ लिखा गया 6 फिर 2 फिर 9 फिर 4 फिर 12। तो देखो कभी सीरीज बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है ना, मजाक सा चल रहा है। तो देखो क्या करना है, जब कभी भी ऐसी सीरीज आपकी चले, कभी इंक्रीज हो जाए कभी डिक्रीज हो जाए, तो वहां पे सीरीज आपकी हमेशा मिक्स सीरीज चल रही है, यानी कि दो दो सीरीज वहां पे यूज कर रहा है। किस तरीके से, तो देखिए 6 के बाद 2 पे घट रहे हैं, आप 2 को भूल जाओ, हम चले जाते हैं 9 पे, फिर 9 से कम आ गया 4, इसे भूल जाओ, अब हम पहुंच जाते हैं 12 पे। तो ध्यान दो कि 6 और 3 9 9 और 3 12 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। इस क्वेश्चन का क्या हो गया हमारा आंसर 15 हो गया। अब एक और सीरीज बची हुई है, तो देखिए वो भी सोल्व कर लेते हैं। तो 2 और 2 कितना हुआ 4, तो इसमें हम कितना प्लस करें, तो देखिए इस वाले में हमने कितने कितने प्लस किए थे, 3-3 प्लस किए थे, यानी कि सेम प्लस किया है स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक। तो यहाँ 2 प्लस कर दो तो लास्ट में भी कितना प्लस कर दोगे, 2 ही प्लस कर दोगे, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखिए मिक्स सीरीज हम कर रहे हैं, मिक्स सीरीज के ही क्वेश्चन हम कर रहे हैं, मिक्स सीरीज ही हम समझेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको कि भाई 40 से हम 50 तक तो जा सकते हैं, क्या 50 से 47 जा सकते हैं, नहीं जा सकते। सीरीज आपकी कितनी चल रही है, 2 सीरीज आपकी चल रही है। तो चलिए पहले 2 सीरीज के सोल्व करते हैं कि 40 में हमने 1 जोड़ा हो गया 47, 47 में हमने 2 जोड़ा हो गया 49। अब इसके बाद कितना जोड़ेंगे कि आंसर आ जाए, तो देखिए 1 जोड़ा फिर 2 जोड़ा फिर कितना जोड़ देंगे हम, फिर जोड़ देंगे 3, कितना जोड़ देंगे 3। जब आप 49 में आप कितना जोड़ दोगे 3, यानी कि 49 में जब आप 3 प्लस कर दोगे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा, यानी कि 52 हो जाएगा। अब एक और सीरीज बची हुई है, वो भी हमें सोल्व करनी होगी, तो चलिए वो सोल्व करते हैं। यहाँ पे हमने कितना प्लस किया है 5, इसके बाद प्लस कितना किया है 6, तो इसके बाद कितना आएगा, तो देखो पहले 1 हुआ फिर 2 हुआ 3 हुआ, सब में एक एक प्लस किया जा रहा है, तो यहाँ भी एक एक प्लस करेगा। 5 में 1 प्लस किया तो 6 में एक और प्लस कर देगा, कितना आ जाएगा 7, 61 में आप 7 जोड़ दो, आंसर क्या हो गया आपका 68, यानी कि 68 इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन आपको क्या कहता है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपको फ्रैक्शन में सोल्व नहीं करने चाहिए, क्योंकि टॉपिक जो चल रहा है या सीरीज और वो है किसका, आपका रीजनिंग का है। अब मैथ के तरीके तो आपको सोल्व करने नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें रीजनिंग ही अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे हमेशा एक ही ध्यान रखो कि ऊपर वाली सीरीज को अलग से सोल्व करो, नीचे वाला जो पार्ट है डिनोमिनेटर जो है उसको अलग से आप जो है सोल्व करोगे। तो डिनोमिनेटर को हम सोल्व करते हैं किस तरीके से, देखिए कि 2 के बाद क्या आया 4, कितना प्लस किया 2, तो 4 और 3 कितना होता है 7, 7 और 4 कितना हो गया 11, और 11 और 5 कितना हो जाएगा 16। कि भाई ऊपर की ओर कितना आ चुका है 16 आ चुका है। अब नीचे वाले को सोल्व करते हैं कि 3 और 4 कितना हुआ 7, अब भाई 7 और 6 कितना हुआ 13, 13 और 21 कितना हुआ 8, अब कितना प्लस करें,
तो देखिए पहले कितना प्लस किया, चार में दो जोड़ा छह, छह में दो जोड़ोगे आठ, आठ में दो जोड़ दोगे कितना हो जाएगा दस, इक्कीस और दस आपका आंसर क्या हो जाएगा इकतीस, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 31 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 31 इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 20वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 20वां क्वेश्चन आपको क्या कहता है, 20वां क्वेश्चन एक बार खुद आप ट्राई करो, मैं पहले ट्राई करके वीडियो को यहीं पे रोको, पॉज करो, अगर सोल्व हो रहा है तो बहुत बढ़िया बहुत बेहतरीन है, नहीं सोल्व हो रहा है तो फिर मेरा सोल्यूशन आपको देखना है ना। तो देखिए सोल्यूशन देखते हैं, अब यहाँ पे लिख दिया एक दो तीन, फिर चार बार चार लिख दिया, भाई पांच को भूल गया वरना तो आंसर आ ही जाता, क्या क्या लिख रहा है एक दो तीन, या पांच लिख दे चार पांच लिख देता तो सीरीज बन जाती इस तरीके से। तो देखिए डबल सीरीज के क्वेश्चन कर रहे हैं, डबल सीरीज से ही सोल्व करके देखते हैं, क्या पता सोल्व हो जाए। तो देखिए एक में हमने जोड़ा दो, एक और दो हुआ तीन, और तीन और एक कितना हुआ चार, अब चार और तीन कितना हुआ सात, भाई कभी दो जोड़ रहा है कभी एक जोड़ रहा है कभी तीन जोड़ रहा है, यानी कि सीरीज नहीं बन पा रही है, मजाक नहीं चल रहा है ना, तो मजाक नहीं करना है। तो अभी क्या करना है, हमने एक पार्ट को छोड़ा था, अब हम कितने गैप ले लेंगे बीच में, दो गैप हम ले लेते हैं, दो गैप देख के करते हैं कि क्वेश्चन क्या पता सोल्व हो जाए। तो देखिए एक से इस एक से हम पहुंचे चार पे, एक से चार पे गए कितना प्लस किया तीन प्लस किया, अब चार से पहुंचो सात पे फिर कितना प्लस किया तीन, तो देखो यहाँ पे तीन प्लस ये तीन प्लस, यानी कि यहाँ पे वो कम से कम कितनी सीरीज छोड़ देगा, दो, एक छह छोड़ देगा, एक बीच में कोई और होगा, जब अपना क्या आ जाएगा आंसर। तो चलिए हम इसमें भी तीन प्लस कर देते हैं, जब आप तीन प्लस करोगे कितना आ जाएगा दस आ जाएगा। अब अगली सीरीज को हमें जानना है, क्योंकि आंसर जो निकालना था वो तो हमें इस तरीके से निकालना है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे, तो देखिए अब हम आते हैं दो पे, जब दो के बाद हमें दो छोड़ देना है, एक तीन छोड़ देना है, एक चार, उसके बाद हमें कहाँ पहुंचना है चार पे, तो दो से जब आप चार पे पहुंचोगे तो कितना आपने प्लस किया दो आपने प्लस किया, अब हमने दो बीच में छोड़ दिया, अब कहाँ पहुंच गए हम छह पे, जब आप छह पे पहुंचे तो कितना प्लस किया आपने दो प्लस किया, कि पहले दो प्लस किया फिर दो प्लस किया, तो अब फिर कितना प्लस कर दोगे दो ही आप प्लस कर दोगे, छह में आप दो प्लस करोगे अगला आंसर क्या आ जाएगा आठ अपना आंसर आ जाएगा इस तरीके से। उसके बाद में क्या आता है आपका तीन आता है, कि अब तीन वाले में आपका क्या आंसर हो जाएगा इस तरीके से, है ना। तो हम कैसे भी सोल्व कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर आया वो कैसे आएगा, तो देखिए इसे हम सोल्व करेंगे, यहाँ सोल्व करते जाएंगे तो आठ के बाद जो है अपना क्या है आंसर आ रहा होगा, तो समझते हैं। तो देखिए तीन, अब यहाँ कितना आ रहा है तीन, यहाँ कितना आ रहा है यहाँ आ रहा है तीन, तीन के बाद दो को हटाया हमने, तीन के बाद आया चार, एक प्लस किया, देखो एक प्लस क्या है, इसके बाद हमें बताना है क्या आएगा। तो सीधी सी बात है, दो सीरीज चल रही थी, सब में एक एक प्लस किया जा रहा था कि यहाँ तीन है, अगली बार भी तीन है, अगली बार भी क्या है तीन है, नीचे में ये दो है तो ये भी दो, यानी कि सेम डिजिट जो है प्लस किया जा रहा है। यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे उसने एक प्लस किया, तीन में एक जोड़ा तो चार हो गया, अब क्या करेगा चार में कितना जोड़ेगा, चार में एक ही आपका प्लस करेगा, चार में एक प्लस करेगा कितना हो जाएगा पांच, यानी कि यहाँ पे आंसर हमारा क्या बना पांच। इस क्वेश्चन के हमारे ये तीन आंसर आ चुके हैं, 20 क्वेश्चन